हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि घर में लौकी कैसे लगाएं बहुत आसान तरीके से। देखिए, डे वन है, मिट्टी तैयार है और इसके लिए मचान भी तैयार करके रख लिया गया है। चलिए देखते हैं। बीज मैंने पहले से भिगा कर रख लिया है ताकि अंकुरण बहुत तेज़ी से हो सके। इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, छाया में ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। देखिए, मचान इसके लिए लगा के रखा हूँ। आइए देखते हैं। तीसरे दिन मैंने 3 से 5 बीज मैंने उसमें लगा दिए थे और इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना। देखिए, पांचवें दिन इसमें से अंकुरण शुरू हो गया है, छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं। दसवें दिन देखिए, 3 से 4 पत्ते। ये 12वें दिन, शुरू में तो काफ़ी धीरे ग्रोथ होता है, 25 दिन लगे हैं इस पौधे को इतना बड़ा होने में। और देखिए, इसमें फल आ रहे हैं 1 महीने बाद। अब ये फल कैसे लगता है उसकी प्रक्रिया भी आगे देखेंगे। 2 टाइप के फ्लावर होते हैं मेरे लिए इसमें, और जब तक एक दूसरे से नहीं मिलते तो इसमें फल नहीं लगता है। कि लौकी में 2 टाइप से फ्लावर होते हैं, एक मेल और फीमेल। ये सिर्फ फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर वो है जो लौकी के शेप में होता है। ये देखिए, इसके भी छोर में एक छोटा सा फ्लावर निकलता है। जब तक फीमेल फ्लावर के पराग कण से मेल फ्लावर नहीं मिल पाता, जैसे किसी कीड़ों के सहारे मधुमक्खी या चिड़िया, तब तक वो लौकी में फल नहीं लगता है, वो सूख के गिरने लगता है। देखिए, ये है फीमेल, ये मेल फ्लावर है और इसके अंदर लाखों की संख्या में पराग कण होते हैं। इसके पत्तियों को तोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो फीमेल फ्लावर है उस पर इसको टच करेंगे। ये देखिए, इस तरह इसको टच कराना है। ये देखिए, इस फ्लावर से ऐसे अच्छे से इसको रगड़ देना है। इस प्रक्रिया को हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। अब 2 दिन बाद इसका रिपोर्ट देखते हैं कि इस पर फल। ये देखिए, पहले मैंने इसको किया था, इस पर काफ़ी अच्छे फल निकल रहे हैं। देखिए, तेज़ी से बढ़ भी रहे। ये रहा रिज़ल्ट, और ये अभी और बड़ा होगा। ये देखिए, 4 से 5 बड़े लौकी में फल लगा हुआ है, और 3 से 4 दिन के बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप